हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ एमबीबीएस अब्रॉड ब्लॉग बाय लीडर एजुकेशन में। इस समय मैं नॉर्थ कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंडियन कैंटीन में हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे इंडियन स्टूडेंट ध्यान नहीं मिला क्योंकि उनका लंच टाइम खत्म हो गया, मैं कोक्सोते से यहाँ पर लेट पहुँचा, लेकिन मुझे अपने खाने के लिए जरूर मिल गया। और यहाँ मैंने क्या फाइंड आउट किया कि यहाँ पर रियल दाल बाटी और दाल और प्याज रोटी मिलती है। हफ्ते में मुझे यहाँ पता चला कि हफ्ते में दो बार दाल बाटी बनती है, हफ्ते में दो बार छोले भटूरे बनते हैं, और हफ्ते में जो है दो बार राजमा चावल बनते हैं लंच टाइम पर। और रात में बच्चों प्रॉपर पनीर या नॉनवेज में चिकन या मटन का खाना मिलता है रोटी के साथ। यहाँ पर भी इंडियन कुक बनाते हैं जो इंडिया से लाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है मेस का जो यहाँ फीस है, हर ऑलमोस्ट हर कंट्री के और हर यूनिवर्सिटी ऑफ कजाकिस्तान के और दूसरी कंट्री के कंपेटिव एक जैसे रेट है, $1200 साल का है, मतलब $120 पर मंथ जो है। मैं इसमें आपको दो टाइम खाना मिलता है, लंच और डिनर। और क्या कहते हैं, नॉर्थ कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि यहाँ के जैसे हॉस्टल मेन कॉर्पस सामने है, मैस भी यूनिवर्सिटी के जैसे सामने है, हॉस्टल के लेफ्ट में है। तो बच्चों को क्या कहते हैं, खाना अपने सर्च करने के लिए, इंडियन खाना खाने के लिए और पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। इस यूनिवर्सिटी का ये प्लस पॉइंट है जो मैंने यहाँ से यहाँ पे देखा है। और वाकई में ही बहुत अफोर्डेबल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हॉस्टल $500 है, उसके लेफ्ट हैंड पे जस्ट मेस है जहाँ पे आपको दिन में दो टाइम खाना मिलता है। इस और इतना कंफर्टेबल है, बच्चा अपनी क्लास के बीच में भी इंटरव्यू जो होता है तो 20-25 मिनट का उसमें आप खाना खा सकता है। यूनिवर्सिटी में जो मैंने पॉजिटिव पॉइंट ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए वो ये है कि मेरे पीछे बिल्डिंग है वो हॉस्टल है, फोर्थ फ्लोर का, हाईली गुड रेनोवेटेड, सिर्फ $500 के अंदर। और मेरे अभी जहाँ से मैं निकला हूँ वो कैंटीन है, अभी हम जहाँ आपको ले जाऊँ वहाँ कैंटीन का नया कॉर्पस बना है। और अगर मेरे राइट में देखेंगे, जस्ट राइट में अगर है तो सीधा यूनिवर्सिटी कैंपस है। नॉर्थ कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंटीन का नया जगह जो मैं अभी भी एंटर हुआ हूँ, वाकई में बहुत शानदार है, बहुत कोजी है, कंफर्टेबल है। अगर देखें तो यहाँ का जो इन्होंने रेनोवेशन किया है, मेरे ख्याल से इंडियन और दूसरी यूनिवर्सिटी में जो कैंटीन है ऐसी शायद ही बहुत कम है जहाँ बच्चे के कंफर्टेबल का हर चीज़ का ध्यान रखा।